नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्यामा चिड़िया यानी काली चिड़िया या शगुन चिड़िया, इसे अलग अलग नामों से बोला जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यह हम सभी लोगों ने देखी होगी क्योंकि यह प्रायः पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है और अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो मोस्टली इसे श्यामा चिड़ैया या श्याम चिड़ैया के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन इसे शगुन चिड़ैया भी बोला जाता है और जिसका नाम ही शगुन चिड़ैया है उसके साथ तो शगुन जुड़े ही हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है शगुन चिड़ैया अथवा श्यामा चिड़िया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर एक, अगर पति पत्नी दोनों यात्रा कर रहे हैं और उनके बीच में से शगुन चिड़िया या श्यामा चिड़िया, पहले चिड़िया और उसके पीछे चिड़ा अगर निकल जाते हैं तो यह अत्यंत ही शुभ होता है, कार्य सिद्ध की तरफ यह संकेत करता है। वहीं अगर इनके बीच में से पहले चिड़ा और फिर चिड़िया निकल जाए तो इनके कार्य में, कार्य सिद्ध होने में संशय होता है। नंबर दो, अगर श्यामा चिड़िया आपको पूंछ ऊंची नीची करके फुदकते हुए दिखाई दे तो आपको आपकी प्रेमिका से मिलन के संकेत मिलते हैं। नंबर चार, अगर श्यामा चिड़िया आपको चोंच से सामने के हिस्से या गुप्तांग को स्पर्श करते हुए दिखे तो सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष से समागम के संकेत मिलते हैं। नंबर चार, नीचे से ऊपर उड़े। दोस्तों, अगर आप किसी कार्य से जा रहे हैं अथवा आपने श्यामा चिड़िया को देखा, वह नीचे जमीन से ऊपर की ओर उड़ती हुई आपको दिखाई दी तो यह उत्तम फल प्राप्ति की ओर इशारा करती है। नंबर पाँच, अगर आपको वह ऊपर से नीचे की ओर आती हुई दिखती है तो यह अवनति को दर्शाती है। नंबर छः, अगर श्यामा चिड़िया आपके बाईं ओर से बोले तो यह शुभ संकेत माना जाता है। नंबर सात, कोई व्यक्ति अगर यात्रा कर रहे हैं और यात्री के दोनों ओर श्यामा चिड़िया बोलती है तो यह उत्तम फल प्रदान करने वाली होती है। नंबर आठ, यात्रा के दौरान अगर श्यामा चिड़िया आपको उड़कर गंदगी में बैठी हुई दिखाई देती है तो आपकी यात्रा तो निर्विघ्न पूरी होगी लेकिन आपको कार्य में असफलता मिलेगी। नंबर नौ, श्यामा चिड़िया अगर आपको किसी पतंगे को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती अथवा उड़ती हुई दिखाई देती है और वह एक के बजाय दो पतंगे पकड़ लेती है तो आपको दुगुना लाभ होगा, यह इस तरफ संकेत करती है। नंबर दस, यात्रा के दौरान अगर श्यामा चिड़िया आपके बाईं ओर बोले तो यह अत्यंत ही शुभ समझा जाता है, आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी, आपका कार्य सिद्ध होगा। नंबर ग्यारह, यात्रा के दौरान अगर श्यामा चिड़िया आपको दक्षिण दिशा की ओर से बोलती हुई दिखाई देती है तो यह अनिष्ट फल देने वाली होती है, उस समय यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए अन्यथा आपके साथ अनिष्ट होने का संकट रहता है। नंबर बारह, श्यामा चिड़िया अगर आपको पीठ के पीछे बोलती हुई सुनाई देती है तो यह शुभ संकेत है, आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है अथवा आपको प्रवास से धन लाभ हो सकता है। नंबर तेरह, अगर श्यामा चिड़िया आपको प्रसन्न भाव से क्रीड़ा करते और सामने की ओर आते हुए दिखाई देती है तो आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। नंबर चौदह, श्यामा चिड़िया अगर आपको प्रसन्न मुख फुदकते हुए दिखाई देती है तो आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ अवश्य होगा। नंबर पंद्रह, अगर श्यामा चिड़िया आपके दाएं भाग को खुजाते हुए दिखाई दे, यानी आपने श्यामा चिड़िया को देखा और वह उस समय अपने पंजे अथवा चोंच से अपने दाएं भाग को खुजा रही है तो आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके मित्रों को लाभ होगा। नंबर सोलह, अगर श्यामा चिड़िया आप अपने दाएं भाग को फड़फड़ाए तो आपको किसी विवाद में लाभ होगा, यानी अगर आपका किसी से विवाद चल रहा है अथवा वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपको फायदा होगा, आप विजयी होंगे। नंबर सत्रह, अगर श्यामा चिड़िया आपको दोनों भाग यानी बाम भाग और दायां भाग दोनों फड़फड़ाते हुए दिखती है तो आपका कार्य सिद्ध होगा, यह इस प्रकार से संकेत करती है। नंबर अठारह, अगर श्यामा चिड़िया
आपको अपने भोजन पर झपटते और चोंच में दबाकर ले जाते हुए दिखाई देती है, तो आप जो कार्य करने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और साथ ही यह धन लाभ की ओर भी इशारा करती है, यानी आपको धन लाभ हो सकता है और आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। नंबर 19, श्यामा चिड़िया अगर अपने पैर से अपनी बाईं आँख को खुजाते हुए आपको दिखाई देती है तो आपको या तो आभूषणों की प्राप्ति होगी अथवा आपको वस्त्रों की प्राप्ति होगी। नंबर 20, अगर श्यामा चिड़िया आपको रूखे और निर्जन स्थान से यानी उजाड़ स्थान से उड़कर हरे भरे स्थान की ओर जाती हुई दिखाई देती है तो यह आपकी उन्नति का संकेत है, इस समय से आप उन्नति करने लगेंगे। नंबर 21, श्यामा चिड़िया अगर आपको दूसरी श्यामा चिड़ियाओं से आकर मिलते हुए दिखाई देती है तो यह एक शुभ संकेत है, यह दर्शाता है कि शीघ्र ही आपकी भेंट आपके प्रियजनों से होगी अथवा अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो आपकी मुकदमे में विजय निश्चित है, आपको सफलता मिलेगी, आप विवाद जीत जाएंगे, आप मुकदमा जीत जाएंगे। नंबर 12, अगर किसी निर्जन सरोवर में श्यामा चिड़िया अगर आपको नहाते हुए दिखाई देती है तो शीघ्र ही आपको भू संपत्ति का लाभ होगा, यानी आप खेत खलियान या जमीन प्लॉट वगैरह कुछ खरीद सकते हैं, आपको उससे लाभ होगा। नंबर 23, अगर श्यामा चिड़िया आपको आलस्य में दिखे और वह आपको देखकर बीट कर दे तो यह धन का नाश करने के संकेत होते हैं, साथ ही आपके स्वजनों पर कोई विपत्ति आ सकती है, यह एक शुभ संकेत नहीं है। नंबर 24, अगर श्यामा चिड़िया रमण करने से कतराए ऐसा आपको दिखता है अथवा अपने जोड़े में से रमण करने से कतराते हुए वह वहाँ से चली जाती है, उड़ जाती है, तो आपको स्त्री से कष्ट होगा और आपके मनोरथ की हानि होगी, यानी उस दिन आप स्त्री से सतर्क रहें, आपको किसी न किसी स्त्री से कष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, यह थे शगुन चिड़िया अथवा काली चिड़िया, जिसे श्यामा चिड़िया या श्याम चिड़िया के नाम से जाना जाता है, उसके शुभ और अशुभ संकेत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय सियाराम।